हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध ना करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं, इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है। असाध्य को साधना है, सब तो मेरे वश में है। यद्ददा चरति श्रेष्ठस्य तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके। उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करें सब उन्हीं को देख सुन के। न करूं तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है, ये मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में
अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं। अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं। हे संजय, कृष्ण के उपदेश के अनुसार तो मैं पहले ही कर्मयोग को अपना चुका हूं। वो कहता है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और इसीलिए मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। फिर तात वेदव्यास मुझे अपना कर्तव्य करने अर्थात युद्ध करने से क्यों रोक रहे थे? युद्ध के भीषण संहार का दायित्व मुझ पर क्यों रख रहे थे? क्षमा करें महाराज, यदि मैं इसका उत्तर दे दूं तो आपके मन को मेरा उत्तर नहीं भाएगा। संजय, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम स्पष्ट रूप से कहो कि इस संबंध में तुम्हारा मन क्या कहता है। महाराज, जिसे आप कर्मयोग का नाम दे रहे हैं वो वास्तव में निष्काम कर्मयोग नहीं था, क्योंकि इस कर्म के साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। आप इस कर्म का फल अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं। आप हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहते हैं। यदि वो कर्मयोग नहीं था तो फिर क्या था? डरो नहीं संजय, बताओ। वो एक राजनीतिक कुटिलता थी। हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी, वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी है, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य
किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है। तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी ने सहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है? मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म अकर्म विकर्म ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव, युद्ध विकर्म है क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है, ये संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। और मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया की संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हां अर्जुन, जैसा मैंने कहा, ये माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं और माया का स्थान
क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी, तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की मृत्यु का भी भय। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है।
सब कुछ